हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द बोर एटॉमिक मॉडल, दैट इज द गिवन कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। दैट इज क्लियर। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द बोर एटॉमिक मॉडल विच गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। दैट इज क्लियर। नाउ इन दिस मॉडल बोर एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। टोटली बोर एटॉमिक मॉडल depend on the Planck quantum theory of radiation. It is clear. This model also explain the concept of energy level or orbit or shell. कौन सा वाला? SHELL, right? Shell. Clear. Now we explain the बोर एटॉमिक मॉडल बाय द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। यहां पर अपन फोर पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, फोर पॉइंट्स की बात करेंगे जिनसे अपन बोर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने पास में फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या कहता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, these path are known as energy level or orbit. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। इट इज क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी कहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं? इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन जो सर्कुलर पाथ है, क्या ये सर्कुलर पाथ, क्या है बेटा ये सर्कुलर पाथ, इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल। इट इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दी सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट और सेल, ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल। दीज आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन, लिखेंगे इसको अपन स्मॉल एन से। दैट इज द नंबर 1, 2, 3, 4, जैसे 1, 2, 3, 4, क्लियर। एंड आल्सो नेम्ड एज, नेमिंग क्या हो जाएगी बेटा इनकी, इन सेल की नेमिंग क्या हो जाएगी? KLMN, राइट। इनकी नेमिंग लिख दो यहां पर KLMN। इट इज क्लियर। जो सर्कुलर पाथ है उनकी नंबरिंग तो क्या होगी, इसको नोट करेंगे N से, नोटेड बाय N। दैट इज नंबरिंग 1, 2, 3, 4। फर्स्ट नंबर इज नेम इज K, सेकेंड इज L, थर्ड इज M, फोर्थ इज N। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। यहां पर क्लियर हो गया कि वो कहां रिवॉल्व करते हैं। अपने पास में रदरफोर्ड, थॉमसन, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट वो इलेक्ट्रॉन कहां हैं, क्या कर रहे हैं? दैट मीन्स वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल। नंबरिंग इज 1, 2, 3, 4, नेम्ड इज KLM। This is the first postulate of Bohr atomic model.
क्लियर, बात करते अपन सेकंड, राइट। सेकंड में कहता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी, ना तो वो एनर्जी को लॉस करता है और ना ही एनर्जी वो गेन करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका पर्टिकुलर, जैसे यहां पर इस फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है तो यहीं पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या है आपकी, कॉन्स्टेंट होगी। एनर्जी क्या होगी बेटा, कॉन्स्टेंट, जितनी है उतनी रहेगी, क्योंकि ये अपनी जगह पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी एनर्जी ना तो लॉस होगी ना गेन होगी। एनर्जी क्या है, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन एनर्जी अकॉर्डिंग टू टाइम। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं होगी। थर्ड बात करते हैं अपन, थर्ड पॉइंट की, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, क्लियर। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर क्या जनरेट होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या जनरेट होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किससे कहेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एम वी आर इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज क्लियर, इट इज द होल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, राइट, एच अपॉन टू पाई, होल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। होल मल्टीपल का मतलब एन एच अपॉन टू पाई, वेर एज एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, क्लियर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर इज द होल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, दैट मीन्स एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वेर एज एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन विच ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, देन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इट इज क्लियर। नाउ लास्ट एंड फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन फर्स्ट लेवल, देन जंप इन सेकेंड लेवल, जंप इन थर्ड लेवल, जंप इन फोर्थ लेवल। अभी अपन ने सेकेंड पॉइंट में बात की थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट देन नो चेंज इन एनर्जी विद टाइम, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। बट इन फोर्थ पॉइंट वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन जंप वन एनर्जी लेवल टू अनोदर एनर्जी लेवल, ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, देन चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ई टू माइनस ई वन दैट इज ई टू एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल एंड ई वन एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपन, हायर माइनस लोअर, तो आपका वो कहां से कहां जंप कर रहा है उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई। क्लियर, दोबारा रिवाइज करता हूं बेटा, फर्स्ट जो आपको गिवन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इनको अपन बोलते हैं ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल, इनको अपन नंबरिंग एन से नोट करते हैं, वन टू थ्री फोर, उनकी नेमिंग है, वन मतलब के, टू
L, 3, M एंड 4. क्लियर. सेकेंड है, सेकेंड में बता आपका कि इलेक्ट्रॉन आपका पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस कंडीशन में नो लॉस नो गेन ऑफ एनर्जी, कोई चेंज नहीं होता है. थर्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहां पर क्या जनरेट होता है, एंगुलर मोमेंटम जो किसका मल्टीपल होता है, एच अपॉन टू पाई. दैट मीन्स एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वेर एच एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट. लास्ट फोर पॉइंट, एनर्जी डिफरेंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, देन वी ऑब्टेन द एनर्जी डिफरेंस, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन. दीज आर द फोर पोस्टुलेट ऑफ बोर एटोमिक मॉडल एंड ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल और ऑर्बिट. दैट इज क्लियर. आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी. आज के लिए इतना ही. वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.